बुरहानपुर जिला प्रशासन भले ही लॉकडाउन के दौरान गरीब और अप्रवासी मजदूरों की मदद की बात करता हो, लेकिन नेपा नगर के नेपा ऑडिटोरियम हॉल में बनाए क्वारंटाइन सेंटर की हालत प्रशासन के दावों की सच्चाई बयां कर रही है। इस क्वारंटाइन सेंटर पर गुजरात के सूरत शहर सहित कई राज्यों के मजदूरों को ठहराया गया है, लेकिन इन मजदूरों को ना तो समय पर पीने का ठीक पानी मिल रहा है और ना ही खाने के लिए भोजन मिल रहा है, जिसके चलते अब मजदूरों का शासन प्रशासन पर गुस्सा फूटने लगा है। वहीं रिहायशी इलाके में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। यहाँ बच्चों को है ना दूध नहीं मिल रहा, ना कहीं नहीं मिल रहा, उनको खाने नहीं मिल रहा, तो उनकी मम्मी उनको कहाँ से दूध निकलेंगे सर। हम ये देखो ऐसा हलवा खा रहा है, इतने इतने में क्या हो रहा है, इतने में तो हमारे नाश्ता भी नहीं होता है। तो अभी 12 बज रहे, ये इतना सही खाना दिया बस, इतनी मिले कहीं नहीं मिले हमें। इसमें क्या पेट भर जाएगा आपको? इसमें क्या पेट भराएंगे सर, आप ही देख लो, इतने इतने प्लेट में खा रहे, इतने बड़े शरीर। पानी वगैरह की क्या व्यवस्था शौचालय? पानी वानी क्या व्यवस्था है, सवेरे लाए एक टैंकर पानी, वो भी गर्म। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमारा मेडिकल करवा के हमको घर अपने अपने भेजो। अभी यहाँ से मेरे है ना गाँव है ना गुड़ी है, गुड़ी जाना पड़ेगा मेरे को। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? बालक राम मार्को। ये एरिया जो है ये नेपा क्लब के पीछे का एरिया है, और ये नेपा क्लब में जो क्वारंटीन सेंटर बनाया है और जो लेबर लोग लेबर्स जो है यहाँ लेकर आए हैं, अब वो लेबर है तो जैसे लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, तो वो लोग जो बाउंड्री जो बनी हुई है उसके किनारे से कभी कभी बैठ जाते हैं। रात को मैं आया तो देख रहा था वहीं से सब लोग बाथरूम वगैरह कर रहे थे, पीने के पानी के लिए भी वो यहाँ पानी भरते हैं नल के वजह से, वहीं पर नहाते हैं, पूरे पानी जो है नाली में आ रहा है। तो अपना ये कहना है कि भाई जैसा ला रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत का काम नहीं है, तो लेकिन ऐसा जगह रखे जाए उनको कम से कम कि जो कॉलोनी में ना हो या शहर के बीच बीच में ना हो, शहर के बाहर कहीं से कुछ जगह देख ली जाए जहाँ उनको रखी जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। क्योंकि यहाँ कॉलोनी में सब बच्चे हैं, सब आते जाते रहते हैं, सब्जी वाले आते हैं वो कोने पर खड़े रहते हैं, और क्लब में भी घनश्याम पाटिल जो है वो भी वहीं रहते हैं, उनको भी सामाजिक आदमी, सभी से संपर्क बना हुआ रहता है उनका। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी दिक्कत में, हम लोग भी दिक्कत में आ जाएंगे फिर। तो क्या कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने का खतरा लग रहा है आप लोग? नहीं भाई, जैसा क्या है वो है कि नहीं, एक अपने कैसे बोल सकते कि नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो, और हो भी सकता हो भी। अब उनके जाने के बाद में मालूम पड़ा कि उसमें से कुछ थे तो अपन तो परेशानी में आ जाएंगे। वहाँ सुअर कुत्ते गाय वगैरह आती है? वहाँ जानवर आते हैं ना, जानवर घूमते रहते हैं वहाँ पर। क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। नेपा नगर में क्वारंटाइन किया गया, कहाँ से आया और कितनी संख्या है सर? ये गुजरात से, अभी शासन ने जानकारी मंगाई थी हम लोगों से कि भाई अन्य राज्यों में फंसे अपने एमपी के और अपने ज़िले के ऐसे लोगों की सूची मुहैया कराओ, तो हमने उपलब्ध करी थी ज़िले को। ज़िले ने सूची गुजरात गवर्नमेंट को पहुंचाई, उसके बाद वहां से उनके द्वारा उन मजदूरों को बाय बस रात में लगभग 2 बजे रात को, कोई 10 बजे रात को, कोई 8 बजे रात को, ऐसे करके अलग अलग दो तीन वाहन से आए हैं। तो करीबन 100-125 लोग मजदूर हैं जो अपने डाबिया के हैं, कुछ डबाली के हैं, कुछ मझगाँव के हैं। अब उनको क्वारंटाइन करा के डॉक्टर से टेस्ट करा के अभी दिन का उनको भोजन करा के रात में आए हैं, भोजन करा के जैसी भी सुविधा होगी तो फिर यहाँ से उनको वहाँ छात्रावास में या घर पे ऐसा जो भी जिले से निर्देश मिलेगा उनको क्वारंटाइन करें। सर इनका बोलना है कि हमारे लिए अभी तक भोजन नहीं आया, किसका किसे दी गई थी भोजन की जिम्मेदारी? भोजन की जिम्मेदारी नगर पर अपने परिषद को दी है, नगर परिषद के माध्यम से उनको भोजन वितरण करना है, पर भोजन के पैकेज बनाने में करीबन संख्या ज़्यादा होने से थोड़ा टाइम लग रहा है, जल्द 5-10 मिनट के अंदर हम भोजन मुहैया करा देंगे। और सर यहाँ के रहवासियों का भी आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर रिहायशी इलाके में बना दिया गया जिससे संक्रमण फैलने की संभावना। हाँ, ये मैसेज हमने हमारे एसडीएम मैडम को, वरिष्ठों को बताया है कि ये 20 सेंटर नेपा नगर के अंतर्गत होने से इसको स्थान को हम कहीं दूसरी जगह परिवर्तन करेंगे। इसीलिए मैं अभी पुरानी ITI को मेयर द्वारा और SDP साहब के द्वारा विजिट की गई है, तो मैं वरिष्ठों को अवगत करूंगा, ऐसा हुआ तो इसको चेंजेस करते हुए ITI को हम चूज करने की प्लानिंग में है। अब आपका शुभ नाम? मैं सुंदरलाल ठाकुर, तहसीलदार नेपा नगर। नेपा ऑडिटोरियम हॉल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया प्रशासन द्वारा, क्या समस्या हो रही है आसपास के रहवासियों को, आप लोगों को? देखिए यहाँ पे जो शहर के मध्य बनाने की वजह से ये स्थान उचित नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ एक हॉल है जिसमें अंदर एक लेटरिन बाथरूम है जो कि नेपा मिल की है, तो वो बंद है। नगर पालिका ने 2 लेटरिन बाहर रखी है, कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। पानी का टैंकर हमारे घर की तरफ रखा हुआ है, वहाँ एक नल है,
आप यदि सुबह सुबह आएंगे तो आप पाएंगे कि सब बच्चे बाथरूम वहीं करते बाहर, बड़े बड़े आदमी भी बाहर बाथरूम कर रहे हैं और बाहर ही नहा रहे धो रहे हैं, खाना तक वो बाहर खुले में बना रहे हैं। रात में भी, कल रात में पूरे मोहल्ले से उन्होंने लकड़ियाँ चुनी और खाना वहाँ शाम को बनाया। तो जो उद्देश्य बनाया गया है कि आसपास के लोग सुरक्षित रहे, नेपा नगर सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित नहीं लग रहा है। यहाँ संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। ये शहर के मध्य ऐसी जगह है जहाँ पूरे सब्जी वाले यहीं से जाते हैं, दूध वाले यहीं से जाते हैं, फल वाले यहीं से जाते हैं। उनको और, उनके लिए जो चलित शौचालय रखा है उससे भी बहुत बदबू आ रही है। हाँ, उसकी बदबू मुश्किल है, बिल्कुल उसकी बदबू भी हमारे घर तक आ रही है और हमारा घर सिर्फ 20 फीट दूर है। इसको, इस केंद्र को सेंट्रल स्कूल, हाई स्कूल, ITI कॉलेज या ऐसी जगह जो बस्ती से थोड़ा दूर हो वहाँ बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ जो आदमी रखे, बच्चे रखे गए, मजदूर रखे गए, ये सब अनपढ़ है। हालांकि अशिक्षित है, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेचारों को इतनी समझ नहीं है। ये पूरा थूक भी रहे हैं यहाँ पे, नहा भी रहे हैं। सोशल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है, वो सोशल डिस्टेंसिंग बोलो, फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली बात भी मेंटेन नहीं है। एक ही हॉल में 50-60 लोगों को रख दिया गया है। यदि कमरे कहीं है वहाँ रखे जाते तो एक एक कमरों में रखते तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात भी हो सकती थी। तो जो उद्देश्य ये किया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति मुझे होती हुई दिख नहीं रही है। तो हमारा निवेदन है कि इस केंद्र को शहर के थोड़े ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुछ कमरे हो, बाथरूम हो, वहाँ शिफ्ट किया जाए। आपका शुभ नाम और दायित्व? मेरा नाम है विजय कुमार शाह, मैं नेपाल लिमिटेड का एक्स मैनेजर हूँ। हालांकि केंद्र सरकार ने बाहरी मजदूरों को अपने अपने स्थान पर भेजने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद सभी मजदूरों को जल्द ही उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया जाएगा, लेकिन जब तक उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। खबर मध्य प्रदेश के लिए नेपा नगर से करण इंगले की रिपोर्ट।